All the student join the class quick fast. Remaining student join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, so let's start the lecture. So I will share the screen. In previous class, we have to study about the sequential circuit, that's are the counter. We study about the asynchronous counter, synchronous counter, problem are involved in asynchronous counter. Okay, next we have to go to the synchronous counter. So firstly, analyze the various excitation table of the flip-flop. There are the basic four flip-flop consider, T flip-flop, D flip-flop, JK flip-flop and master slave. SR flip flop. So firstly, we have to study about the designing of various synchronous up counter, down counters, sequential, non-sequential counter by using T flip flop. Previous class में अपन study करी के designing of the synchronous counter by using JK flip flop. JK flip flop से अपन asynchronous counter design करेंगे. So सबसे important चीज क्या रहेगी जब भी अपन design करेंगे that's The excitation table of the particular flip-flop must be remembered. ये जैसे excitation table JK flip-flop से कर रहे हैं, तो ये excitation table should be remembered. Excitation अगर remember table remember है, तो अपन easily flip-flop design कर सकते हैं. Previous class में अपन ने देखा था कि modulo 6 up counter design by using the JK flip-flop. Modulo 6 that means that there are the six state from 0 to 5. इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5. तो ये कौन सा काउंटर है? अप काउंटर है. कितनी स्टेट कवर कर रहा है 0 से 5 के केस में? 6. तो 6 मॉड्यूलो 6 काउंटर है. 3 फ्लिप फ्लॉप अपन ने कंसीडर करे, फ्लिप फ्लॉप ए, फ्लिप फ्लॉप बी एंड फ्लिप फ्लॉप सी. द कंसीडर द इनपुट, ए वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या आएगा? जे ए और के ए. ठीक है, अब ट्रांजिशन अपन देखना है 0 से 1 में. ये ट्रांजिशन के रेस्पेक्ट अपन ने जे ए के ई की टेबल प्लॉट करी. नेक्स्ट अपन ने प्लॉट करी नेक्स्ट अपन ने बी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए जे बी और के बी वाली टेबल प्लॉट करी. नेक्स्ट जे सी और के सी, सी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए प्लॉट करी. आफ्टरवर्ड अपन ने क्या करा कि बाय यूजिंग द के मैप डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ जे ए एंड के ए. ठीक है, सिमिलर वे में जे बी और के बी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करा, जेसी और केसी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करा, और आफ्टर ऑल फिर क्या अपन ने सर्किट पर्टिकुलर काउंटर डिजाइन करा. तीन फ्लिप फ्लॉप लिए ए बी सी, तीनों किस टाइप के फ्लिप फ्लॉप हैं? जेके फ्लिप फ्लॉप. इनपुट क्या है? जे के, आउटपुट क्यू ए एंड क्यू ए बार. ठीक है, और जो एक्सप्रेशन है उसके रेस्पेक्टिव अपन ने प्लॉटिंग कर दी. इज इट क्लियर? फिर इसके बाद एक और एग्जाम्पल अपन ने स्टडी करा जिसमें क्या है कि सर्किट गिवन है, ब्लॉक डायग्राम या ब्लॉक सेक्शन गिवन रहेगा, उसके रेस्पेक्टिव इनिशियल स्टेट गिवन रहेगी और वो स्टेट डायग्राम आपसे आइडेंटिफाई करवाएगा. तो इनिशियल स्टेट गिवन है, एक्सप्रेशन अपन ने जे के जे बी जे सी के बी के सी अपन ने डिटरमाइन करे गिवन ब्लॉक सेक्शन से, और उसके बाद अपन ने क्या आइडेंटिफाई करा? स्टेट डायग्राम. ये स्टेट डायग्राम इसके रेस्पेक्टिव डिजाइन. ठीक है, टुडे अपन एक और एग्जाम्पल इसमें सोल्व करते हैं कि गिवन फिगर द शो द काउंटर व्हिच मस्ट काउंट द थ्रू द मोर देन वन सेट ऑफ स्टेट एज डिटरमाइंड बाय द कंट्रोल लाइन. इस तरह का ये सर्किट गिवन रहेगा, एग्जाम में गिवन है. फाइंड द स्टेट व्हेन द कंट्रोल लाइन इज हाई एंड द कंट्रोल लाइन इज लो. अब इस केस में ये काउंटर का ब्लॉक डायग्राम है, स्टेट डायग्राम अपने को आइडेंटिफाई करना है, और किस केस में आइडेंटिफाई करना है, केस कंडीशन कौन सी दे रखी है? व्हेन द कंट्रोल लाइन इज हाई उस केस में स्टेट डायग्राम क्या आएगा, और कंट्रोल लाइन अगर लो है तो उस केस में इसका स्टेट डायग्राम क्या आएगा. तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें अपन. फर्स्ट जैसे सॉल्यूशन में केस फर्स्ट लिया, केस फर्स्ट क्या है? कंट्रोल लाइन इज हाई. व्हेन द कंट्रोल लाइन इज हाई इन दिस केस द जे ए इज इक्वल टू के ए इक्वल टू बी.
जे ए ये वाली लाइन है, जे ए किससे कनेक्टेड है, बी से। ये के ए वाली लाइन है, इस तरह के डायग्राम में देखो के ए वाली लाइन है वो भी किससे कनेक्टेड है, बी से। सो जे ए इज इक्वल टू के ए इक्वल टू बी, फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। सेकंड क्या है, जे बी इज कनेक्टेड टू वन, ये जे बी इज कनेक्टेड टू वन, के बी इज कनेक्टेड टू सी बार, के बी इज कनेक्टेड टू सी बार, जे सी इक्वल टू कंट्रोल लाइन इंटू बी बार। जीसी को अपन किससे दे रहे हैं, ये जीसी यहां से जा रहा है, ये एक्चुअली आउटपुट कैसे आया, एक तो इसके इनपुट में क्या है, बी बार है, दूसरा क्या है, कंट्रोल लाइन है, और दोनों को अपन ने किस पे दिया, एंड गेट पे, और एंड गेट का जो आउटपुट है वो एक्चुअली किससे कनेक्टेड है, जेसी से। सो जेसी बेसिकली क्या है, कंट्रोल लाइन मल्टीप्लाई विद द बी बार, ठीक है। अब कंट्रोल लाइन अपन ने क्या हाई कर रखा है, तो इस केस में क्या जाएगा, ये कंट्रोल लाइन इंटू बी बार, ठीक है। KC की वैल्यू क्या दे रखी है, VCC, KC किससे कनेक्टेड है, VCC से, तो KC equals to VCC equals to 1, VCC की वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, 1, क्लियर हुआ। अब इसमें क्या दे रखा है, अज्यूम द इनिशियल कंडीशन इज 0 0 0, A पे 0, B पे 0 और C पे 0, मान लिया है, स्टार्टिंग कर रहे हैं काउंटर का, काउंटिंग करेगा स्टार्ट, तो उस केस में अपन ने क्या ले लिया, अज्यूम की इनिशियल इसकी कंडीशन क्या थी, 0 0 0, जो 0 A पे 0, B पे 0, C पे 0 लिया, तो ए बार क्या होगा, जीरो का बार क्या होगा, वन, बी का बी बार पे भी क्या आएगा, वन, और सी बार पे भी क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे अपने को बी और ए बी सी की वैल्यू आइडेंटिफाई है, इसके रेस्पेक्टिव जे और के की वैल्यू ऐसे यहाँ इसमें दिया, फर्स्ट वाली में जे एक्व टू के एक्व टू बी, और बी की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो यहाँ जे की वैल्यू भी जीरो है, के की वैल्यू भी जीरो है, जे बी की वैल्यू क्या आएगी, वन, के बी की वैल्यू क्या है, सी बार, सी बार की वैल्यू क्या, वन है, तो यहाँ के बी भी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, जे सी की वैल्यू क्या है, जे सी इक्वल टू कंट्रोल लाइन इनटू बी बार, है ना, कंट्रोल लाइन हाई कर रखा है, तो हाई का मतलब क्या, वन है, बी बार की वैल्यू क्या, वन है, तो वन इंटू वन क्या होगा, वन, तो जे सी की वैल्यू भी क्या आ गई, वन आ गई, के सी की वैल्यू ऑलरेडी वन है, ये वन रख दिया अपन, तो ठीक है। प्रीवियस स्टेट अपने को पता है, प्रीवियस स्टेट में ये वैल्यू आ गई, इनपुट ये अपने को पता है, नेक्स्ट स्टेट अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो एक्साइटेशन टेबल से, जैसे इस वाली एक्साइटेशन, मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में भी तुम्हें बताया था कि अगर अपने को एक्साइटेशन टेबल रिमेम्बर है तो अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस स्टेट अपने को पता है और इनपुट अपने को पता है, तो नेक्स्ट स्टेट अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या तो प्रीवियस और नेक्स्ट स्टेट पता है तो इनपुट अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, प्रीवियस स्टेट अपने को पता है, इनपुट अपने को पता है, तो नेक्स्ट स्टेट अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग द एक्साइटेशन टेबल वी हैव टू डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेट, मतलब प्रीवियस स्टेट अपने को यहां से पता पड़ी, इनपुट अपने को यहां से पता है, तो नेक्स्ट स्टेट अपन यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल से अपन इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके रेस्पेक्टिव नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, 011, 011 की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी, 3, नेक्स्ट स्टेट के लिए ये क्या आएगा, 110, हेलो हेलो, नेक्स्ट स्टेट के लिए क्या आएगा, ये 110, 110 वाले केस में ये किसके इक्विवेलेंट रहेगा, 6 के, नेक्स्ट पे क्या आएगा, 000, 00 के लिए इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है इसकी, 0, तो पर्टिकुलरली स्टेट डायग्राम कैसे जाएगा, 326 गया, 620 गया, और 0 से फिर किस में आ गया, 3 पे आ गया, तो इसी तरह 023, 326 एंड 62 फिर अगेन किस में गया, 0 वाली कंडीशन, तो ये स्टेट डायग्राम हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को केयरफुली देखना है, क्वेश्चन को केयरफुली देखते हुए सबसे पहले अपने को ये वाली कंडीशन इसमें से क्वेश्चंस के जो ब्लॉक डायग्राम गिवन है उस ब्लॉक डायग्राम से ये वाली वैल्यू सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है कि जे ए और के ई की वैल्यू क्या है, जे बी और के बी की वैल्यू क्या है, जे सी और के सी की वैल्यू क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस स्टेट अगर क्वेश्चन में गिवन है तब तो ठीक है, अगर प्रीवियस स्टेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या काम, अपने अज्यूम क्या करना है कि वो इनिशियल स्टेट क्या है, 000, तो 000 वाली कंडीशन अपन ने अज्यूम कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इन जो ए बी सी की वैल्यू आई है इनके रेस्पेक्टिव क्या है, इनपुट अपन आइडेंटिफाई कर लो,
जे ए की वैल्यू क्या होगी, के ए की वैल्यू क्या होगी, जे बी की वैल्यू क्या होगी, के बी की वैल्यू क्या होगी, जे सी की वैल्यू क्या होगी, के सी की वैल्यू क्या होगी। तो अब अपने को प्रीवियस स्टेट पता है, इनपुट स्टेट पता है, तो नेक्स्ट स्टेट अपन आइडेंटिफाई या डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन टेबल। अगर एक्साइटेशन टेबल अपने को रिमेम्बर है तो अपन नेक्स्ट स्टेट इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रीवियस स्टेट और इनपुट स्टेट से, ठीक है। और इनके बाद क्या है, जो भी नेक्स्ट स्टेट आ रही है उनका अपन क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वैल्यू। तो 011 की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, नेक्स्ट वाली की जगह 6 आ रही है, नेक्स्ट वाली की 0 आएगी। तो ये क्या अप काउंटर डिजाइन करा, तो 0 से 3 में गया, 3 से 6 में गया, और 6 से फिर किस में चला गया, 0 में चला गया। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, एक्साइटेशन अपने को रिमेम्बर होनी चाहिए। जो क्वेश्चन गिवन है, जो ब्लॉक डायग्राम गिवन है, उससे अपने को जे ए के ए, जे बी के बी, जे सी के सी की वैल्यू अपने को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई और केयरफुली डिटरमाइन कर लेनी है, और उसके हिसाब से अपन उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और केस क्या आएगा इसमें, जैसे दूसरा केस देखें, बट स्टेट 5 इज मिसिंग, सो अज्यूमिंग स्टार्ट इनिशियली इज 5। बाय द वे अगर 5 जैसे 5000 की बजाय अपन 5 वाली स्टेट से स्टार्ट करें, तो उसके इसमें क्या आएगा, एबीसी की वैल्यू 101, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1। तो बार में क्या हो जाएगा, ए का बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 का बार क्या, 0 होगा, बी बार क्या, 1 आ जाएगा, सी बार ये 0 आ जाएगा। इसके रेस्पेक्ट अपन ने जे ए के ए, जे बी के बी, जे सी के सी आइडेंटिफाई कर लिए। नेक्स्ट स्टेट अपन ने वो एक्साइटेशन टेबल के रेस्पेक्टिव आइडेंटिफाई कर ली। काउंट इक्विवेलेंट काउंट कितना आ गया, 5 आ गया, तो 5 के रेस्पेक्टिव इसमें डिजाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी अपन डिजाइन कर सकते हैं। अब जैसे और दूसरी भी स्टेट है, दूसरी स्टेट के भी रेस्पेक्टिव जैसे 1, 2, 4, 7 मिसिंग है, तो उनके रेस्पेक्टिव अपन डिजाइन कर सकते हैं, उनको केस को कंसिडर कर लेते हैं। एक्चुअली क्या, जो स्टेट इसमें कंटिन्यू आ रही है वो तो ठीक है, पर जो स्टेट इसमें नहीं आ रही है उनको अपन क्या कर लेते हैं, इनिशियल स्टेट मान के, इनिशियल स्टेट मान के उसके रेस्पेक्टिव अपन स्टेट डायग्राम डिजाइन कर सकते हैं। सिमिलर वे अगर अपन कंट्रोल लाइन अगर 0 कर दें, तो कंट्रोल लाइन अगर अपन 0 करते हैं तो वैल्यू एक्चुअली किसकी चेंज हो जाएगी, या जेसी की, क्योंकि जेसी ही है जो किससे कनेक्टेड है या किससे कंसर्निंग है, कंट्रोल लाइन से। तो कंट्रोल लाइन अपन किसमें दे रहे हैं, एंड गेट में, एंड गेट का आउटपुट अपन किसमें दे रहे हैं, जेसी में। और इन सारे एक्सप्रेशन में जे ए के ए, जे बी के बी, जे सी के सी, इन सभी में जो कंट्रोल लाइन का जो वेरिएशन है या कंट्रोल लाइन की वजह से जो चेंजेज आएंगे वो किसमें आएंगे, ओनली जेसी में। तो जेसी एक्चुअली किसके बराबर है, कंट्रोल लाइन इनटू बी बार। यहाँ कंट्रोल लाइन हाई थी तो कंट्रोल लाइन को 1 कंसीडर करा। नेक्स्ट वाले केस में क्या है, कंट्रोल लाइन अगर लो है, तो दोनों केस के लिए वो डिजाइन करवा रहे हैं, अगर कंट्रोल लाइन लो है तो उस केस में कंट्रोल लाइन क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इंटू बी बार, तो इसके रेस्पेक्टिव भी अपन इस तरह से वैल्यू पुट ऑन करके ये स्टेट डायग्राम इजीली डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा। तो इस क्वेश्चन को, इस जो कंट्रोल लाइन अगर 0 वाले केस में इसको क्वेश्चन को करो, कोई प्रॉब्लम आती, कोई चीज इशू आता है तो मुझसे डिस्कशन करो। इसका जो स्टेट डायग्राम है वो इस फॉर्म में आएगा। सबसे पहले जो लूप वाला कौन सा केस मानेगा, जैसे इसमें था ना लूप 0, 3, 6, 0, इस वाले केस में कौन सा आएगी लूप में, इसमें आएगा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से फिर ये 0। अब जो कंडीशन जैसे मिसिंग है, कौन सा मिसिंग है, 1 और 7 मिसिंग है। नेक्स्ट इसमें 3 और 5 मिसिंग है, तो 1 और 7, 3 और 5 को इनिशियल कंडीशन मानते हो, फिर इनको डिजाइन करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी। इज इट क्लियर, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये जैसे आप, जैसे फर्स्ट अपन ने इनिशियली 0 0 मान लिया, 0 0 मान के अपन ने इनपुट इसके एक्सप्रेशन से निकाल लिया, नेक्स्ट स्टेट भी अपन ने ले ली, फिर जो अगली वाली रो है, ये वाली रो अपन ने कैसे ली, तो ये वाली रो एक्चुअली क्या है, यहाँ से आइडेंटिफाई हुई है। जो नेक्स्ट है वो अगले वाले के लिए क्या बन जाएगा, प्रीवियस। तो यहाँ जैसे ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ भी इस तरह से ए की वैल्यू 0 रखी अपन ने सेकेंड रो में, बी की वैल्यू 1 रखी, सी की वैल्यू 1 रखी, फिर बार में क्या हो जाएगा, 0 का बार 1, बी का बार 0 और सी का बार 0, फिर ये इस तरह से अपन आइडेंटिफाई। फिर नेक्स्ट क्या, ये 110 है तो 110 नेक्स्ट वाले के लिए प्रीवियस बन जाएगा, तो ए पे 1 है, बी पे 1 है और सी पे 0 है, ए पे 1 है, बी पे 1 है और सी पे 0 है, इस तरह से पाने, तो नेक्स्ट क्या बन गया, 0। तो ये 0 फिर दोबारा रिपीट हो गया,
है ना, ये जीरो जीरो एक्चुअली वो कहां पहुंच गया, दोबारा उस इनिशियल स्टेट पे पहुंच गया, इसलिए ये लूप बन गया यहाँ पे। आ रही ना बात समझ में? अब जैसे फाइव इसमें मिसिंग था, फाइव के रेस्पेक्टिव करा तो ये क्या आ रहा था, वन वन जीरो, ठीक है ना। वन वन जीरो का मतलब काउंट क्या होता है, इक्विवेलेंट क्या रहेगा, सिक्स। तो फाइव इनिशियल लिया था, कहां जाके रुका, ये सिक्स पे। तो फाइव लिया और ये कहां जाके रुका, सिक्स पे। तो ट्रांजिशन कैसे आ गया, फाइव लिया और फाइव का ट्रांजिशन कहां पे हुआ, सिक्स में, सिक्स में ट्रांजिशन हो गया। अरे बात समझ में? जैसे इस तरह से वन टू फोर सेवन भी अपन मिसिंग लें, तो वन टू फोर का ट्रांजिशन इस तरह से जाएगा, वन से टू में, टू से फोर से, फोर से सेवन, और सेवन से फिर ये टू में चला जाएगा, इस तरह का ट्रांजिशन आएगा। जब आप इसके पूरी टेबल ड्रॉ करोगे तो टेबल ड्रॉ करने के बाद इजीली ये चीज क्लियर हो जाएगी। स्टेट डायग्राम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है बेटा। सबसे जो मेन चीज याद रखने वाली चीज क्या है इसमें, एक्साइटेशन टेबल। वो एक्साइटेशन टेबल जिसको याद है वो ही नेक्स्ट स्टेट इसका निकाल सकता है, और जो इसकी नेक्स्ट स्टेट है वो सेकंड वाली रो में क्या आ जाएगी, प्रीवियस बन के आ जाएगी। जो सेकंड पर जो नेक्स्ट स्टेट वो थर्ड वाले के लिए प्रीवियस बन जाएगी, प्रीवियस स्टेट में आ जाएगी। और जहां ये रिपीट हो रही है वहां वो लूप बन जाएगा। जैसे यहाँ जीरो 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 आ गया, तो ये एक्चुअली कहाँ पहुंच गया, वो पहली वाली स्टेट पर। ये जीरो जीरो वाली स्टेट एक्चुअली कहाँ गई, या प्रीवियस, तो ये लूप बन गया यहाँ पे, लूप वाली केस कंडीशन आ गई, ठीक है। तो सबसे मेन जो याद रखना है इसमें, एक्साइटेशन को प्रॉपरली याद रखना है, रिमेम्बर रखना है। और दूसरा जो इसमें सीक्वेंस, जो ये जो ब्लॉक डायग्राम गिवन है, उससे अपने को केयरफुली डिटरमाइन करना है कि जेई की वैल्यू क्या है, केई की वैल्यू क्या है, जेबी की वैल्यू क्या है, केबी की वैल्यू क्या है, जेसी की वैल्यू क्या है, और केसी की वैल्यू क्या है। ये दो चीज डिटरमाइन है तो अपन ये इजीली टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, स्टेट डायग्राम इजीली बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लें, जैसे कि डिजाइन ए 3-bit काउंटर विद इनपुट कंट्रोल लाइन ई, ठीक है। स्टेट आर, स्टेट कैसे गिवन है, जीरो से टू में गया, टू से फोर में गया, फोर से सिक्स में गया, और सिक्स से जीरो पे गया, तो लूप बन गया, ठीक है ना। और ये लूप कब बन रहा है, जब ई की वैल्यू क्या है, इनेबल लाइन की वैल्यू वन है, यानी हाई है, इनेबल लाइन क्या है, हाई है। दूसरा उसने क्या बनाया, एक और लूप बनाया कि वन से थ्री में गया, थ्री से फाइव में गया, फाइव से सेवन में गया, सेवन से फिर वन में आ गया, तो ये फिर एक लूप बना। ये लूप कब बन रहा है, जब इनेबल लाइन की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। अल्टीमेटली क्वेश्चन से क्या निकला कि इसमें स्टेट डायग्राम गिवन है, दो स्टेट डायग्राम है, दो लूप कंसीडर कर रहा है। एक लूप कब है, जब इनेबल लाइन की वैल्यू हाई है, ई इक्वल टू वन। दूसरा लूप कब कंसीडर कर रहा है, जब इनेबल लाइन की वैल्यू क्या है, जीरो है, लो है। तो इस केस में दो लूप कंसीडर कर रहे हो, और दो के लूप के रेस्पेक्टिव क्या है, स्टेट डायग्राम है, और स्टेट डायग्राम के रेस्पेक्टिव काउंटर डिजाइन कर रखा है। अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है कि ये 3-bit काउंटर है, तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, ए बी सी, तीन फ्लिप फ्लॉप की अपने को काउंटर रहेगी, 3-bit के कंसिडर करने ना, ए बी सी, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0, तो इस फॉर्म में अपने को कंसिडर करना है। तो ये अपने कितने फ्लिप फ्लॉप लिए, थ्री फ्लिप फ्लॉप, ए फ्लिप फ्लॉप, बी फ्लिप फ्लॉप, सी फ्लिप फ्लॉप। इनपुट क्या है इनके, ए वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या इनपुट है, जे ए और के ए। सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट क्या है, जे बी और के बी। थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट क्या है, जे सी एंड के सी। तीन फ्लिप फ्लॉप कंसिडर करें, तीन फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्टिव ये डिजाइन करा। अब इसमें क्या है, जैसे पहले अपन ने केस कंसिडर किया, लिया कि इनेबल या कंट्रोल लाइन क्या ली, 0 0 0, और जीरो जीरो और तीन फ्लिप फ्लॉप है, तो नंबर ऑफ स्टेट कितनी आएंगी, एट। यानी तीन फ्लिप फ्लॉप है तो कौन कौन सी स्टेट आएगी, एक तो आएगी 0 0 0 0 0 1, अप टू कहां तक जाएगी, 1 1 1, ठीक है। तो 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक जो एट स्टेट है, फर्स्ट केस कंसिडर क्या करा अपन ने, जिसमें इनेबल लाइन क्या है, जीरो है। दूसरा फिर अपन ने इनेबल लाइन अगर अपन वन करते हैं, तो फिर वो स्टेट कंसिडर करें 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। आई बात समझ में? तो कंट्रोल लाइन पहले आठ के लिए तो क्या है, जीरो है। नेक्स्ट एट के लिए क्या है, वन वन है, कंट्रोल लाइन वन है। नंबर ऑफ स्टेट क्या रहेंगी, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। क्लियर हुआ? अब पहला केस कंसीडर करता हूं जिसमें इनेबल लाइन क्या है, जैसे ये वाले लिए जीरो वाले के लिए, इनेबल लाइन जीरो है, और ये ट्रांजिशन कैसे हो रहा है कि वन से थ्री में गया, थ्री से फाइव में गया, फाइव से सेवन में गया, और सेवन से वन में आ गया। यहाँ इनेबल लाइन जीरो है इस टेबल में, तो ये शुरू के आठ वाले आठ रो अपने को कंसीडर करनी है, एट रो। अब इसमें ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, वन से थ्री में गया, तो ये वन से किस में चला गया, थर्ड वाली रो में, थर्ड वाली इक्विवेलेंट में। थ्री से फिर किस में गया, फिफ्थ में गया,
थ्री से फिर किस में गया, ये फिफ्थ वाले में गया, फिफ्थ से किस वाले में गया, सेवंथ वाले में गया, सेवंथ वाले से फिर किस में चला गया, वन वाले में। ये स्टेट डायग्राम के रेस्पेक्टिव है, ट्रांजिशन है, ठीक है। कंट्रोल लाइन की अपन ने टेबल बनाई, इनपुट की टेबल बनाई, इनपुट ए बी सी तीन फ्लिप फ्लॉप में, तो 000 से लेके 11 तक बना दिया अपन ने। अब अपने को जे के जेबी के बी और जे सी के सी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, किसके रेस्पेक्टिव डिटरमाइन करनी है, जैसे ट्रांजिशन हो रहा है तो 1 से 3 में ट्रांजिशन हुआ, तो उस केस में ए की वैल्यू का ट्रांजिशन कैसे हुई, बी की वैल्यू कैसे ट्रांजिशन हुई, सी की वैल्यू कैसे ट्रांजिशन हुई, और उसके रेस्पेक्टिव अपन ने जे के जेबी के बी और जे सी के सी की वैल्यू अपने वो डिटरमाइन कर ली। तो ये एक्चुअली जो वैल्यू अपन ने निकाली है जे के जेबी के बी और जे सी के सी की, वो किसके हेल्प से निकाली है, ये फिर वही अपने को कौन सा अपन ने काम में लिया है, एक्साइटेशन टेबल। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्साइटेशन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, अगर 0 से 0 में जा रहा है तब जे पे 0 के पे डोंट केयर, 0 से 1 में जाएगा तो जे पे 1 के पे डोंट केयर। तो इस एक्साइटेशन टेबल के रेस्पेक्टिव ही ये अपन ने यहाँ डिजाइन करा हुआ, ये जे के जे बी के बी जे सी के सी ये जो वैल्यू डिटरमाइन निकाली है ना, ये कैसे निकाली है, बाय यूजिंग एक्साइटेशन टेबल। वो एक्साइटेशन टेबल की हेल्प से ही ये टेबल पूरी ड्रॉ करती है, ठीक है। अब जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट उसमें देखें कि भाई जे के को देखें, तो ये फर्स्ट वाली रो में क्या है, डोंट केयर है, क्योंकि कोई ट्रांजिशन ही नहीं हुआ। अगला ट्रांजिशन हुआ है 1 से 3 में जाके, 1 से 3 में गया तो ये 0 था, 0 से 0 में गया तो क्या आया, जे की वैल्यू 0, के पे डोंट केयर, ये सेकंड रो के लिए वैल्यू। तो इस तरह से ये अपने को प्लॉट कर लेना, ये ड्रॉ करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। और ये टेबल कैसे ड्रॉ करी है अपन ने, बाय यूजिंग एक्साइटेशन टेबल। और ये एक्साइटेशन टेबल करने के बाद फिर ये जो टेबल अपन ने बनाई हुई है, इसके रेस्पेक्टिव इसके एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या बनाते हैं अपन, के मैप, के मैप बनाया, ग्रुपिंग करा, जे की वैल्यू बी आई, के ए की वैल्यू बी आई, ये अपन ने वैल्यू पुट ऑन करी, और इसके जे ए और के ए के एक्सप्रेशन फाइंड आउट करे। इसी तरह से जे बी और के बी के वैल्यू फाइंड आउट करी वही के मैप से, जे सी और के सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वही के मैप से। के मैप की हेल्प से अपन क्या डिटरमाइन करते हैं, एक्सप्रेशन, हमेशा एक्सप्रेशन फाइंड आउट होता है। तो अब यहाँ जे के जे बी के बी जे सी के सी की वैल्यू पुट ऑन होगी। ये बनाया अपन ने 3 फ्लिप फ्लॉप का बनाया, ए फ्लिप फ्लॉप, बी फ्लिप फ्लॉप, सी फ्लिप फ्लॉप, 3 फ्लिप फ्लॉप। कौन से टाइप के फ्लिप फ्लॉप है, जे के फ्लिप फ्लॉप है, तो जे ए के इनपुट आउटपुट क्यू ए क्यू ए बार, बी वाले फ्लिप फ्लॉप के जे बी के बी इनपुट जे बी एंड जे बी बार आउटपुट, सी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए जे सी के सी इनपुट एंड क्यू सी बार आउटपुट। और यो अपन ने एक्सप्रेशन निकाले हैं उसके रेस्पेक्टिव पुट ऑन कर दिया। फॉर एग्जांपल जे जे की वैल्यू बी है तो जे को किससे कनेक्ट करा अपन ने, क्यू बी से, क्यू बी से कनेक्ट कर दिया। जे बी के की वैल्यू क्या बी है तो के को भी किससे कनेक्ट करा, क्यू बी से कनेक्ट कर दिया। जे बी की वैल्यू क्या वी सी सी है तो जे बी को किससे कनेक्ट करा, वी सी सी कनेक्ट कर दिया। के बी की वैल्यू वी सी सी है तो के बी को भी किससे कनेक्ट करा, वी सी सी से कनेक्ट कर दिया। जे सी की वैल्यू ग्राउंड है तो जे सी की वैल्यू किससे कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। के सी की वैल्यू ग्राउंड है तो के सी को भी किससे कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। क्लॉक अपन ने साइमल्टेनियसली तीनों में दे दी, ये क्लॉक कैसे, ए वाले में भी दी, बी वाले फ्लिप फ्लॉप में भी दी और सी वाले फ्लिप फ्लॉप में। तो इस तरह से हो गया, तो इस तरह से अपन डिजाइन कर सकते हैं। तो कुल मिला के अल्टीमेटली क्या है बच्चों, जो सबसे रिमेम्बर जो रखने वाली चीज वो यही है कि एक्साइटेशन टेबल अपने को अच्छे से याद होनी चाहिए, स्टेट का अपने को ट्रांजिशन जो हो रहा है स्टेट का ट्रांजिशन, क्योंकि दो ही तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो ये क्वेश्चन आएगा किस तरह से, यहाँ ये इस तरह से सर्किट बना के देगा, जैसे इस फॉर्मेट में यहाँ ये सर्किट प्लॉट करके देगा, ये या तो ये होगा कि यहाँ ये इस तरह का ब्लॉक डायग्राम बना हुआ होगा और अपने को वो स्टेट डायग्राम डिटरमाइन करने, या दूसरा तरीके का क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जहाँ स्टेट डायग्राम गिवन होंगे और अपने को ब्लॉक डायग्राम डिजाइन करना, ये वाला। तो होप सो ये दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिए हैं, इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो इसमें परफेक्शन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस एक्साइटेशन टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। इसकी पीपीटी मैं ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे भी डाल चुका हूँ, है ना, ये लेक्चर है, ये लेक्चर भी मैं उस पर कर दूंगा, कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ना, उस पर अपलोड कर दूंगा मैं कुछ देर बाद। और बाकी तो मैं कोई डाउट या कोई इश्यू हो इस क्लास में तो वो तुम मुझसे भी डिस्कशन कर सकते हो, कोई दिक्कत आ रही है तो वो मुझसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।